यवतमाल जिले के दिग्रस नगर पालिका के स्कूलों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। शुक्रवार को हमारे संवाददाता जुबैर खान ने शिवपुर की स्कूल का जायजा लिया है, जहां न सिर्फ जर्जर हो चुकी स्कूल की दयनीय दशा नजर आ रही है, बल्कि दिन में शाला और रात में मधुशाला में तब्दील हो रही स्कूल की हकीकत भी उभर कर सामने आई है। पेश है स्कूल की विदारक स्थिति को दर्शाती हुए जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। ये नगर पालिका द्वारा स्थापित शिवापुर की मराठी स्कूल क्रमांक 4 है। यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल तो बात का है, पहला सवाल ये है कि स्कूल की ये इमारत जो लगभग खंडर में तब्दील हो चली है, इस दयनीय दशा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। स्कूल में एक नहीं बल्कि कई तरह की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। गाँव की आबादी की तुलना में इस स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या के साथ ही यहाँ शिक्षकों की कमी भी चिंता का विषय है। जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तब से शहर भर में नागरिक समस्याओं के साथ ही स्कूलों की खस्ता हालत भी उभर कर सामने आ रही है। आज हम शिवापुर गांव में हैं, यहां पर नगर पालिका की स्कूल क्रमांक 4 है। आप देख सकते हैं मेरे इस बाजू में जो है, यहां पर पहले स्कूल हुआ करती थी शिवापुर की, अब इस इमारत को ऑफिस की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसकी हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। इसी तरह से कहने को तो यहाँ पर स्कूल की नई इमारत बन चुकी है, लेकिन उसकी भी अपनी कई समस्याएं हैं। यहाँ पर बारिश में छत पर जब बारिश बरसती है तो उसके पानी के रिसाव से बच्चे स्कूल में बैठ नहीं पाते। और चौंकाने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर कुल 32 बच्चे पढ़ते हैं, जो 1 से 4 तक की कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इन सबको पढ़ाने के लिए यहाँ पर मात्र एक ही शिक्षक यहाँ पर कार्यरत है। नगर पालिका के माध्यम से चलाए जाने वाले इस स्कूल को मरम्मत की सख्त जरूरत है। स्कूल के मुख्याध्यापक और शिक्षक से पूछने पर पता चला कि स्कूल के कंपाउंड वॉल और उसकी मरम्मत के लिए पालिका के निर्माण कार्य विभाग को साल भर पहले ही अर्जी दे दी गई है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई काम यहाँ शुरू नहीं हुआ है। बहरहाल चौंकाने वाली बात ये भी है कि बदहाल हो चुकी शिवापुर की यह स्कूल असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का अड्डा भी बन चुकी है। स्कूल प्रांगण में कहीं ना कहीं ताश के पत्ते और शराब की बोतलें तक नजर आती है। ऐसे में इन तमाम तरह की समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी हो चुका है। शिवापुर इस गांव में न सिर्फ स्कूल की इमारत एक समस्या है, बल्कि यहां पर जो स्कूल है, यहां की स्कूल को कंपाउंड वॉल तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहां पर समझ नहीं आता कि घर में स्कूल है या स्कूल जो है वो घर में गई है या घर जो है वो स्कूलों में आ गए है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि कंपाउंड वॉल नहीं होने की वजह से लोग अपने हिसाब से यहाँ आना जाना उनका लगा रहता है, जिस वजह से शिक्षा ग्रहण करने में यहाँ के छात्रों को दिक्कतें आती है। इसी तरह से कई तरह की असामाजिक कृत्य भी यहाँ पर होते हैं, ऐसी चर्चाएं भी सुनने में आती है। कोई कहता है कि लोग यहाँ पर ताश खेलते हैं, कोई कहता है यहाँ पर लोग रात को आके दारू तक पीते हैं। इन सारी समस्याओं की जड़ अगर देखा जाए तो नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और जो जनप्रतिनिधि थे उनकी जो बेरुखी थी, और यहाँ के जो लोग हैं इनका भी कहीं ना कहीं जो ध्यान था, जितना उन्होंने ध्यान देना चाहिए था उतना दिया नहीं है। इस वजह से जो छोटी छोटी समस्याएं समय समय रहते अगर हल की जाती तो ये बड़ी समस्या और ये विदारक स्थिति आज नहीं होती। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर।